थोड़ा सा और कर दो ना। तेरी दीदी कितने तेजी से कर लेती है, फटाफट कर लेती है। यूं 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 जब भी देख गाड़ी में आ रही थी तब यूं यूं कर ही जा रही थी। कैसे करता था ऐसे? ये नहीं ऐसे थे। ऐसे ऐसे? फिर ऐसे करता था ऐसे? नहीं। हाँ। करके बता एक बार दोबारा से। अच्छा बोलते हैं मैं। अच्छा और कैसे थे? पूरा करना। पूरा कर। किधर? नीचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और टाइम अभी लगभग 5:30 बजे का हो रहा है, 5:45 हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं है। ठहरो एग्जैक्टली बता देती हूँ। तो अभी पूरा का पूरा 5:40 हो चुके हैं और पतिदेव यहाँ पिलर पे पानी फेंक रहे हैं। आप बोल रहे थे ना कि पाइप से पिलर को पानी दिया कीजिए, तो उन्होंने ट्राई करके देखा था, यहाँ से निकल नहीं रहा है उसी हिसाब से। तो फिर ये नल नहीं है ना, और टंकी के जहाँ से आता है ना वहाँ पे उन्होंने यूज़ करके देखा पाइप को, लेकिन हो नहीं रहा था जुगाड़। तो फिर मजबूरी में इन्हें इसी तरह से ये फेंक फेंक के देना पड़ता है। और बाकी जो आपने जो ना सेब्बे वाली बोरी का बोला था ना, वो आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा था, पर ये मना कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, बोला गर्मियों में जरूरत होती है, आजकल सर्दियों में जरूरत नहीं होती उतनी। ठीक है, देना इन्होंने है। मैं फिलहाल आपसे बात करने में फोकस करती हूँ। और अभी देखो देखो कैमरा ऑन हुआ नहीं कि जब चला जाते हैं दौड़ के आगे आगे। फ्रेंड्स कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा होना चाहिए। तो आज है शनिवार, तो आज शानू और मृदुल का एनुअल फंक्शन था, तो वहाँ पे वंदना गई हुई थी। शानू और मृदुल का एनुअल फंक्शन याद है, लेकिन 25 जनवरी क्यों सेलिब्रेट होता है वो याद नहीं है। वो और आज 25 जनवरी है जो कि हिमाचल में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि स्टेटहुड डे है आज हिमाचल का, और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश। और अभी शाम का टाइम है तो मौसम काफी ठंड हो रहा है, ठंडा हो रहा है मौसम। और एक बात और बताता हूँ, ये रिबाउंडिंग कराने गई थी, तो जो रिबाउंडिंग जिसने करनी थी ना बेचारे ने, उसी ने मना कर दिया कि 2 महीने के बाद आना। और देखो पता क्या होता है रिबाउंडिंग का, आप पैसे बच गए तो ऐसा नहीं यार, पैसों की बात अलग है। पता क्या, आपने भी कमेंट्स में लिखा था कि रिबाउंडिंग के बाद बाल झड़ते हैं, और सच में झड़ते हैं बाल। तो रिबाउंडिंग नहीं करा रही हूँ मैं, स्मूथनिंग प्लस केराटिन करा रही हूं। एक ही चीज, एक ही क्रीम होता है वो, उसमें स्मूथनिंग में क्या होता है कि उसमें जो टेम्परेचर कम होता है और उसमें थोड़ा वो बढ़ाते हैं जब वो आयरन करते हैं, उसमें वो फर्क है। क्रीम एक ही होता है, हो जाए मरने दे, डैमेज हो जाए। अच्छे लग रहे हैं बाल ना, हफ्ते के बाद ही अपनी रेमेडीज भी स्टार्ट कर दूंगी, मतलब सारे बालों पे नहीं अप्लाई करूंगी, स्कैल्प पे करूंगी। अगर इसके बाल खराब हो, बंदा बोल भी रहा था कि खराब हो जाते हैं, उनसे भी तो पता क्या होता है, पूरे बाल गंजा होना पड़ता है। गंजा हो गया तो भैया फिर पता है ना, बाल तो फिर, और बंदों के बाल है कि हफ्ते के महीने के बाद बढ़ जाते हैं। जैसे मैं, मुझे भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे बाल कभी गंजे में हो नहीं सकते। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा ही है। जब मैंने इतने कटवा दिए थे, बोलो इतनी लेंथ भी तो मैंने ग्रो की है ना, नहीं तो मत कराना है, भी होगी तो भी मैं ग्रो कर लूंगी, क्योंकि मुझे अपनी रेमेडीज पे पूरा 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 भरोसा है। और एक ने रेमेडी बनाई है, वो कौन सी डाली है? वो डाई, हाँ, आपके इन केस बालों पे लगाने। आज ना हम फंक्शन में बिजी रह गए, मतलब मैं नहीं थी, और वो डाई बनाई थी लोहे की कढ़ाई में ना, कल संडे है ना, काली होगी है वो, कल संडे है ना, मैं उसी के अंदर रहने दे रही हूँ उसको। कल इनके सर पे भी उसे लगाएंगे और ससुर जी के सर पे भी उसे लगाएंगे, और देखना आप अभी देख लो पहले कि इनके बाल कितने ज्यादा सफेद है। सब इधर ये देखो, बैक साइड में अभी देखो ना कैमरा की वजह, हाँ ये देखो दिख रहे होंगे आपको, ये सारे सफेद है। उसके बाद आप देखना, अगर एक हफ्ते इन्होंने रेगुलर लगाने दी ना, पर ये करते नहीं है, दूसरों को तो बोल देते हैं ना, लेकिन खुद से ये मेरी रेमेडीज को यूज नहीं करते, खासकर सर वाली। हाँ, फेस को चमकाने वाली जरूर करते हैं, जैसे मेरा फेस चमका नहीं, ये खुद पे अप्लाई करने लग जाएंगे, तो ना देखना बहुत इस पे मतलब असर। और
तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं आपके साथ, इसलिए बहुत चीज़ें मैंने अभी कैप्चर नहीं की, बस ये डिनर रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डिनर में आज दाल चावल हमने बनाए हैं, क्योंकि किचन की वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और इस टाइम पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ खास बनाने की इच्छा नहीं होती। एक तो वहाँ पर फिर आग वगैरह की भी सुविधा नहीं होती, ठंड लगती है सामने से, दरवाजे के पास ही हमने ये चूल्हा वगैरह लगा के रखा हुआ है। तो फिर और अभी आप देख सकते हो कि गरम ऑयल में मैंने पहले सूखे मसाले डाले, जीरा और धनिया, उसके बाद प्याज डाला, प्याज भुनने के बाद फिर ये गरम मसाले डाले हैं। तो थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स मसाला, नमक, ये सब कुछ ऐड कर लिया है और फिर अच्छी तरह से मिक्स हमने इसको कर लिया। और जैसे ही अच्छी तरह से पक गया, अच्छी खुशबू आने लगी, तो ये मैंने इसमें आंवला पाउडर डाला है ताकि ये खटास जैसी आ जाए, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए अभी छोड़ दूंगी। इसके बाद फिर ग्राइंड किए हुए टमाटर में मैं इसमें ऐड करूंगी। दाल मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, उड़द की दाल जिसे हम बोलते हैं, तो वही वाली बना रही हूँ। टमाटर ग्राइंड करके मैंने डाल दिए हैं और थोड़ी सी देर अभी इन्हें पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जैसे इनका अच्छा कलर आता है तो उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे दाल। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमने टमाटर डाले थे काफ़ी अच्छा कलर इनका आ गया, अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो दाल अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे। दाल को बॉईल कर लिया था पहले ही और फिर अभी इसमें डाल देंगे। कुछ और दाल इसमें मिक्स नहीं किया है, बस ये उड़द की ही दाल है, साबुत वाले, काले वाले जो होते हैं। तो बस अभी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको खानी है उतनी गाढ़ी पतली आप कर सकते हो इसे। तो हम चावल के साथ ही खाने वाले हैं इसलिए थोड़ी सी पतली हम रखेंगे। और ये देखिए आपकी पक्के दाल अभी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी देर हमने इसको गाढ़ा करने के लिए छोड़ा और जो दाल के अंदर पानी बचा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि चावल के साथ खानी है तो थोड़ी सी रसीली हमने इसे बनाया है। और एंड में फिर इसमें मक्खन या दही ऐड कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे का ये है, दिन संडे है और 26 जनवरी का दिन है। तो ये पहले तो साफ़ सफाई का रूटीन, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, सबसे पहले तो आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, और दूसरी बात कि आज बहुत सारी साफ़ सफाई हमने करनी है और सोचा है कि कहीं सेलिब्रेट करेंगे अच्छी तरह से जा कर के, तो देखते हैं क्या करना है। लेकिन उससे पहले फिर ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पे चला हुआ है। तो अभी टाइम लगभग 8:30 से 9 बजे का है और धूप बाहर आज लग गई है काफ़ी अच्छी तेज़ वाली। तो काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था कि मैं ये गद्दा उठा के बाहर एक बार सूखने के लिए डालूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से ना बारिश चली हुई थी तो नमी नमी सी अंदर सारे घर के अंदर, मतलब ऐसा फील होता था कि अंदर कमरों में हो चुकी है। तो फिर आज ये बहुत अच्छा दिन था और पतिदेव भी घर पे ही थे तो उनकी हेल्प से फिर मैंने ये गद्दा वगैरह सब निकाल दिया, जितने भी कपड़े थे धुलने के वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। और फिर झाड़ू पोछा करने के साथ साथ फिर ये मैंने डाई बनाई हुई थी और इसको ओवरनाइट रखा था, तो अभी आप देख सकते हो कि इसका कलर एकदम ब्लैक हो चुका है और बस इसे ही मैं अपने बालों में इसको लगाने वाली हूँ, अपने और पतिदेव के सिर में। चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो ग्लव्स आपने पहन लेने इस तरह से, नहीं तो ये जो काला कट है ना वो आपकी फिंगर्स से जाएगा नहीं, लगभग एक हफ्ता तो बिल्कुल नहीं जाएगा। डेली अगर आप बर्तन साफ़ करोगे, हाथ से कपड़े साफ़ करोगे, तब जा करके फिर कहीं आपका वो कलर जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप इस तरह से ग्लव्स डाल लें अपने हाथ में। तो इसको लगाने के मैं दो तरीके आपको बताऊंगी। एक तो है कि डायरेक्ट आप डाई को लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए, स्कैल्प पे भी आपको लगाना है और लेंथ में भी हम इसे अप्लाई करेंगे। और दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे आगे शेयर करूंगी। तो मैं ये पहले वाले तरीके से लगाने की कोशिश कर रही थी, मुझे ये वाला तरीका कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसमें डायरेक्ट मैं ये डाई ले रही हूँ और अपने बालों में लगा रही हूँ। और एक बात आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन मुझे पढ़ने को मिल रहे थे कमेंट बॉक्स में, कि ये जो डाई है ये आपके जो ऑलरेडी वाइट वाल हैं उनको काला नहीं कर सकती और जो नए वाल आपके आएंगे वो काले ज़रूर होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके जो ऑलरेडी वाइट हो चुके होते हैं लेंथ वाले वाल उन्हें भी धीरे धीरे काला करती है। हाँ, एकदम से नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपको बार बार इसे यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बार भी नहीं, लगभग आप एक महीना तक इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके बाल काले हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कश होता है, आपने अगर एक्सपेरिमेंट ही करना होगा तो अपने हाथों से लगा के देखना, फिर देखना आपके हाथों में जो कलर चढ़ जाएगा ना उसको निकलने में भी कितना टाइम लग जाएगा। और अगर रेगुलर आप इस चीज़ का यूज़ करोगे तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना। डाई आप बोल रहे थे ना कि पतिदेव के सिर में लगाना, अगर उनके बाल काले होते हैं तभी हम लगाएंगे,
तो ये देख लो जी, आज मैं ये पहले पतिदेव के ही सिर में लगा रही हूँ, और क्योंकि इनके बाल सफेद हो चुके हैं तो मैं ये एज इट इज लगा रही हूँ। और वो बड़े ठंडा है, अपने बालों में लगाने के लिए ना मैं एक ट्रिक अपनाने वाली हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। चम्मच फेंकना, फेंक नहीं दी मैं कहीं भी। दाढ़ी है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होगा कि एक हफ्ता आप रेगुलर लगाओ, हफ्ता क्या लगाओ, मतलब बार बार आप लगा सकते। तो इसका फायदा बहुत है ना कि आपके बाल जो है घने हो जाएंगे, जड़ से जो नए बाल उगेंगे वो तो काले ही आएंगे, और दूसरा जो ये जो सफेद है ये भी काले होंगे, ऐसा नहीं है काले नहीं होते, काले होंगे ये भी। पर ये कि भी थोड़ा आपको बार बार लगानी पड़ेगी, कम से कम महीना भर आपको हफ्ते में ये देखो कितने सफेद है इनके बाल, हफ्ते में आपको ये मतलब 2 से 3 बार, जितनी बार भी आप बाल धोते हो ना पहले लगा लीजिए इस तरह से। और अगर आपको इस तरह का लेप नहीं लगाना है तो गर्मी में लगाना चाहिए, ठंडक पड़ेगी, गर्मियों में तो बड़ा मजा आएगा इसको लगा के, ठंडा ठंडा, ज्यादा गर्मी हुई तो सीधा ये लेप लगाया गया, बाल भी आपके बढ़ेंगे और साथ में फायदे के फायदे। और ना जो मतलब कि ये लेप नहीं लगाना चाहते इनको अच्छा नहीं लग रहा कि गिर रहा है। हाँ जी, पर्पल कलर के अच्छा, और जो लोग मतलब लगाना नहीं चाहते ना इस तरह से लेप नहीं लगाने, उनके लिए शॉर्टकट मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी ना बार बार ये गिर रहा है और कपड़े खराब हो रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, और पति के बाल छोटे छोटे हैं तो इनके ऊपर तो लग गया। बस बस बस, वो बड़ी भाई ठंडक लग गई मम्मी, दाढ़ी लाने दे, मैं दाढ़ी लाना। जो स्यापा नहीं करना चाहते कि उनके बालों में ये फंसे या कुछ भी, तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है, ज्यादा नहीं ऐड करना है, जितना आपको लगाना है बालों में बस उतना सा आपने पानी उसमें ऐड करना है। ये देखिए लगभग ये कितना मतलब 5-7 चम्मच ऐड कर लिया, अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए, थोड़ी सी देर इसी तरह से रहने दीजिए, और फिर क्या करना है, वेस्ट आपका कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, कन्या देखिए, ये देखिए लगा दिया है एक इस तरह से। आप कॉटन क्लोथ ले सकते हो, और फिर उसके अंदर जितनी आपने मतलब अपने बालों में लगाना है ना उतना, बालों की जड़ों में लगाओगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से होगी, अगले आने वाले बाल आपके बिल्कुल काले आएंगे। तो ये देखिए, और बाकी पूरे बालों पे भी आप स्प्रे बॉटल की हेल्प से भी स्प्रे कर सकते हो, तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, और कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो ये देखिए अब क्या होगा ना इस तरह से कि आपका सिर्फ ये लिक्विड फॉर्म में ये आपके पास मिलेगा, और देखिए है कैसा काला ही काले कलर का, और जो ये मतलब पाउडर पाउडर होगा ना, वैसे भी उसमें कुछ तो बचेगा नहीं क्योंकि रस तो हम सारा निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया इसको, तो बस अब ये लिक्विड फॉर्म मेरे पास रह गई, और ये जितना आपको पानी चाहिए उतना आपने लिया। और तो ये मैंने ले ली कॉटन, और अब मैं इसमें ये डिप करूँगी, और आपको लगाने में भी बहुत इजी रहेगा। इस तरह से फिर आप अच्छी तरह से बालों की स्कैल्प में इसे मसाज कीजिए, हो सके तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ऑयल अगर आपने ऐड कर लिया तो इसका कलर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, इसमें केमिकल यूज़ नहीं हुआ है कि ऑयल की वजह से आपकी फिर बालों में कलर नहीं आएगा। और इतनी सारी चीज़ें डाली हैं हेयर ग्रोथ वाली, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितने भी बड़ा आपका हेयर फॉल है ना, वो आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करते हो, एक बार की मैं तो भाई देखो अब नेचुरल चीज़ें रिजल्ट देती नहीं है, बार बार आपको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से, और बाल अगर आपको लेंथ में भी लगाना है तो इस तरह से आप लीजिए, और स्प्रे बॉटल की हेल्प से ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। रेमेडी का यूज़ करने के बाद फिर मैंने अपने घर के साफ सफाई के काम भी साथ साथ किए, तब तक ये बाल भी सूख रहे थे, और जो सफाई के साथ साथ मैंने कपड़े डाले हुए थे मशीन में और कुछ हाथ से धोने वाले थे, तो वो सारा कुछ फिर मैंने कंप्लीट किया, और अभी फिर कपड़ों को सुखाने ही मैं लगी हुई हूँ, और बच्चे मैंने रेडी कर दिए हैं, और फिर खुद भी रेडी होके सोचा है कि आज सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे।
और कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि अपनों के साथ हम मिल बैठ के बातचीत करें, जो रूठ गए हैं उनको मनाएं, तो ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगती है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या बनता है। तिरंगा बन के कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। तो अभी हम सब जा रहे हैं, इनकी मम्मा पूरी तिरंगा बन गई और ये भी, हाँ ये व्हाइट है, शानू ग्रीन है, मतलब हम सब आज तिरंगा बने हुए हैं। हाँ, तो हैप्पी गणतंत्र दिवस बोलते हैं अभी। गणतंत्र दिवस की ढेर शुभकामनाएं आप सभी को। आ जाओ तो साथ में आके बोलो हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये है तो ये तैयार शार होके आज हम पहुंचे हैं अपनी ननद के घर। और बहुत दिनों के बाद डैडी जी ने भी अपना सूट बूट निकाल लिया है, मतलब कि रिपब्लिक डे आज अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने की फुल टू तैयारी आज डैडी जी ने भी कर ली है। तो मैंने ही बोला कि चलो पहले ननद के यहाँ पे जाके आते हैं, उसके बाद फिर अगर कहीं और प्रोग्राम बनता है तो फिर वहाँ भी चलेंगे। तो चलिए पहले आपको ननद का घर ही दिखा देते हैं। ओहो सानू हेलो, हाथ में हेलो कर ले तो गंदिया वीडियो बना ले। हां हम दादी रहे सर, दादी रहे सर, ये बोले नमस्ते। और फोन फोन तो उठाती नहीं है, वैसे भी पढ़ाई कर रही है बेचारी है। क्या क्या लग रही पढ़ने तो उसे, वो बात ये क्या केमिस्ट्री है, ये की मैथ है, ये मैथ है, फाइनल ईयर का मैथ है, राइटिंग तो तेरी हर कुछ ही है। हाँ। सावास। और तेरी राइटिंग वो बच्चा तनी सही राइट, वो बच्चा तू तो हर कुछ ही है। टॉपिक कोई चक्कर नहीं है। तो अभी ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या किया वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही शेयर करूंगी आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।